दुनिया में तीन प्रकार के सोच वाले लोग होते हैं। पहला तो एक बहुत पैसे वाला, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन, ये कोई बिजनेस करता हो, खुद का व्यवसाय हो, बराबर। और दूसरा जॉब करेगा, जो किसी के भी पास काम करता हो, ठीक है। और तीसरा मिडिल क्लास, बहुत कम पैसा कमाने वाला, उनको कैसे समझेंगे? अच्छा दिखना है, बराबर, लेकिन उनको कैसे पहचानेंगे आप? सिंपल सी बात है, जो बिजनेसमैन होगा वो सीरियस मैटर रहेगा, बैठेगा तो भी सीरियस, पहले तो बैठेगा तब से समझ जाना है। चलो एक काम करो, असली अमीर को पहचानना आपको आता है ना, हाँ, जो बिजनेस करता हो, हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, कैसे बैठते हैं, हाँ? आपको एक बात का ध्यान रखना है, कहीं पे भी जॉब पे जाओ आप बैठते कैसे हो, आपके कपड़े कैसे है, किस तरह से पहने हो, सब देखा जाता है, आपको पता है, हाँ? जॉब देने वाला पहले ही सोचता है, क्या इस बंदे को देख के जो मेरे कस्टमर है, क्या वो बने रहेंगे, आएंगे भी कि नहीं? क्या बोला मैंने, जो मेरे कस्टमर है, मेरे सलून में आते हैं, वो इसको देख के भाग गए तो क्या सोचता है, वैसा सोचेगा ना। पहली बात तो कस्टमर को एक्टिव करो, उसके लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। अभी बैठ कैसे बैठे हैं, लेजी की तरह ऐसे, ये भी कोई बैठना हो कैसे बैठे, अच्छे से बैठो, हाँ, बॉडी लैंग्वेज सुधारो, आपको एनर्जी आएगी। आप जितना अच्छा दिखेंगे ना, आपको खुद को एनर्जी आती है, शायद आपको आपने नोटिस नहीं किया ये बात, सर अभी तो पैसा ही नहीं, क्या नोटिस करे, यही है ना, पैसा मैटर नहीं करता। कोई भी अमीर इंसान, आप पैसे से अमीर बन जाओ, लेकिन सोच से और बॉडी लैंग्वेज से अमीर नहीं बनेंगे। कोई भी अमीर पर्सन आपको साथ में खड़ा नहीं करेगा, आप जाके साथ में खड़े हो जाओ, वो दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच ही नहीं हो रही, आपकी सोच ही नहीं मैच हो रही, हाँ, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उनको पसंद ही नहीं है, तब क्या करेंगे? पैसों से अमीर बन के कोई फायदा नहीं है भैया, बॉडी लैंग्वेज से बनो और सोच से बनो, हर चीज के बारे में समझ जाओ कि भाई मैं इसके साथ खड़ा हूं तो क्या इसको अच्छा लग रहा है, इसके साथ खड़ा रहूं तो कैसे खड़ा रहूं, सबसे इम्पोर्टेंट हो। आप समझोगे ये कहां कहां की बात है, ये बातें होने वाली है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, कितना आगे, जितना कि हर इंसान बोले वाह क्या बन रहा है, बराबर। कोई भी गली में से जाओ तो सीना चौड़ा करके जाओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा। चलो आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए, किसको पता है भैया, किसको पता है, किसको पता है कि आप करोड़पति, किसी को नहीं पता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपके तेवर, इशारे सब समझते हैं लोग, उससे ही पता लगता है। आपको पता है, कोई मारवाड़ी को देखो, देखते ही समझ जाएंगे हाँ भाई बहुत पैसे वाला, वो पैसे वाला है कि नहीं वो नहीं पता, किसी ने देखा उसके अकाउंट में कितना पैसा है, नहीं, लेकिन वो चलता ही वैसे है, वो सोचता ही वैसा है और बोलता ही वैसा है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो है बंदा, ऐसा ही होता है ना, हाँ। हर पल काम की बिजनेस की बातें करेंगे वो, छिछोरी बातें करते ही नहीं है पहली बात। तो आपको उनमें से कौन सी कैटेगरी में आना है, बस मुझे वो बोल दीजिए। तीन, पहला बिजनेस मैन, सोच की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस मैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन कैटेगरी दी ही मैंने। पहला है बिजनेस मैन, जो खुद का काम करना चाहते हैं, खुद से मैं बनना चाहता है, खुद के दम पर खुद करना चाहता है। दूसरा जॉब, किसी के पास भी जॉब करूंगा चलेगा, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और पैसा आने के बाद दिखावा करूंगा। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन से है, मेरे पास बहुत पैसा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब मैंने सोचा है कोई गाड़ी लेने का, मैं ले नहीं सकता, ऐसे। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, समझ गए? तो आपके समझ में तो वैसे ही आएगी, जैसे अगर कोई जॉब वाला आता है तो क्या सोचेगा, भाई तू तेरे हिसाब से कर, आपके पास कोई हेयरकट करवाने आता है, समझ लो वो बिजनेसमैन है, ये कोई खुद का व्यवसाय करता है, वो क्या सोचेगा, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ही बोल दो, क्या इम्पोर्टेंट है, वीडियो भी चालू है, जोर से बोलो, बिजनेसमैन क्या देखेगा, टाइम, उसको पता है मैं टाइम से पैसा कमा सकता हूँ, टाइम ही उसका पैसा है, क्या है, पैसा। और दूसरा कैटेगरी कौन से, जो जॉब, किसी के पास भी काम करता है या कोई भी जॉब करता हो, ठीक है, माइंडसेट की बात हो रही है यहाँ पर गाइस, माइंडसेट की बात हो रही है, क्योंकि उसका माइंडसेट बंधा हुआ है ऑलरेडी, वो किसी के पास बंधा हुआ है तो माइंडसेट भी बंधा होगा, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा बोलो,
हाँ दूसरी कैटेगरी का कौन है जो जॉब करता हो, ठीक है। जॉब करने वाले अक्सर क्या करते हैं आपको पता है, महंगी महंगी गाड़िया, बड़े बड़े घर लोन पे कर लेते हैं, आपको पता है। मैं उन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहता, सोच बोलना चाहता हूँ मैं, सोच। वो कैटेगरी में कोई बसा है आपके पास एक्टिव करवाने तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है बोलो, अच्छा करना है। वो चाहेगा क्या वो बोलो पहले, तो वो क्या चाहेगा, लगे तो टाइम ले ले, एकदम आराम से भी कर, एकदम मस्त कर, और ज्यादा भी पैसा ले, क्या सोचेगा वो, उसको पैसे की भी कोई फिक्र नहीं, टाइम की भी कोई फिक्र नहीं, उसको सिर्फ अच्छा दिखना है, वो ऑलरेडी अच्छे में ही रह गए, समझ गए। और तीसरी कैटेगरी का भैया 85 रुपये कर देना, कर देना, क्या बोलेंगे वो, ऐसा क्यों बोलता है वो, पैसा बचत कर, उसके पास पैसा है ही नहीं इसके लिए वो ऐसा करता है, वो गलत नहीं है, सोच गलत है, समझ गए। जिसकी उसकी सोच है भैया, आप ऐसे बैठे हो तो आपकी सोच से बैठो, आप ऐसे बैठे हो तो आपकी सोच से हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरी सोच से हो, बराबर ना। तो उनके लिए कैसे आप व्यवस्था करेंगे, बोलो मुझे फटाफट बोलो। अपना सलून खोलोगे, आपके पास 3 कैटेगरी के सोच वाले लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्था क्या क्या करिए अभी तक, सोच के देखो, बोलो फटाफट बोलो, आप बोलो। अभी मैंने तो सिखा दिया है, कोई खुद का व्यवसाय करता है, खुद की दुकान कहीं पे डाली है तो वो छोड़ के आपके पास दाढ़ी कटिंग करवाने आया है, तो वो क्या चाहेगा आपसे, काम देखेगा अपना सर्विस कैसा है या किस तरह कर रहा है। नहीं वो तो सब देखते है, कोई बंदा दुकान डाला है, उसकी दुकान छोड़ के वो आपके पास हेयरकट करवाने आया है, तो वो क्या चाहे, उस दुकान से अलग रहेगा तो ही मेरे पास आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। किसी ने किराना दुकान डाली, चला रहा है उसको दाढ़ी कटिंग करवाने, वो आपकी दुकान का है, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। आपका लैंग्वेज क्या है, टाइमिंग, लैंग्वेज नहीं, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। वो क्या सोचेगा, मेरे कस्टमर अगर इधर आधा एक घंटा लगा दूंगा तो उधर मेरे कस्टमर कितने चले जाएंगे, जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ उससे डबल तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोचेगा ना। और कोई जॉब करता है उसको क्या है, अरे जॉब पे से छोड़ के आया होगा तो भी सोचे, जाने देना 5 बजे छुट्टी होने वाली है, 1 घंटा इधर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला, आने तो वाला उतना है ना, समझ गए, एक सर्कल में बना। और तीसरा जो कुछ भी काम कर लेता है, जैसे हम सब वही कैटेगरी में, समझ गए, हम सब कौन सी कैटेगरी में है, एकदम लोअर मिडिल क्लास, जीरो से उठ रहे हैं धीरे धीरे। ये बातें जब मुझे समझी तो मुझे ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं थे, मैं खुद को मानता हूँ मैं तीसरी कैटेगरी में आता हूँ, समझ गए, मैं बनना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, थर्ड लेवल की कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, समझ गए। मैं धीरे धीरे सोच को बढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, एक दूसरे से सीख रहा हूँ, तो उनको कैसे व्यवस्था करेंगे, जिसके पास पैसा ही नहीं, बहुत कम है, क्या करेंगे उनके लिए, कोपचे में ले जाओ और बोल दो दे दे 50 कर ले, ऐसा ही बोलेंगे क्या, हाँ उनकी सोच तो वैसी रहेगी, आपको चेंज नहीं होना है, आपको समझना है भैया इसके पास पैसा नहीं है इतना ज्यादा कि ये दे सकता है, कोई बात नहीं कर देते, दुआ तो लगेगी, हर जगह में पैसा ही कमाना इम्पोर्टेंट है क्या, दुआ कमाना भी इम्पोर्टेंट है ना, कि फिर नहीं, किसको किसको पैसा कमाना है, और वो सबको कमाना है। अभी किसको किसको दुआ कमानी है, दुआ भी चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी के लोग हम ही है, तो हम हमारे लोगों का भलाई करें तो क्या होगा, दुआ मिलेगी ना। अभी ऐसा मत करना हमारे लोगों को दुआ करेंगे तो दुआ मिलेगी, ऐसे करके सबको लूट लो, गलत है, समझ गए। जिसकी उसकी सोच है वैसे उनको दो, जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा ही दो, जिसको जैसा चाहिए आपने वैसा भी बना के दिया तो क्या होगा, दूसरी बार आएगा नहीं पहली बार, समझ गए। तो थोड़ा ध्यान से गाइस, आप लोगों के सलून में अगर कोई कस्टमर आता है तो 3 कैटेगरी चॉइस कर लीजिए, 3 कैटेगरी के लोग आएंगे, जो खुद का बिजनेस करता हो या खुद का दुकान डाला हो। दूसरे नंबर पर आएगा जॉब करता हो, कहीं पे 9 to 5 की जॉब हो, वो टाइमिंग को फिकर नहीं करेगा, और बिजनेस करता है खुद की दुकान है वो क्या करेगा, टाइम इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और थर्ड कैटेगरी के आते हैं जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, तो मतलब उनके पास पैसा ही कम होता है तो वो क्या सोचेंगे, कम से कम पैसों में काम हो जाए, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को आपको संभालना है, समझ गए, दुनिया में यही कैटेगरी है 3, समझ गए क्या, कितनी कैटेगरी है 3, पहला है बिजनेसमैन, उसको टाइम इम्पोर्टेंट है, दूसरा है जॉब वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम क्या है क्या नहीं, उसको टाइम से थोड़ी ना पैसा है, वो तो 9 बजे जाएगा 5 बजे जाएगा, उसको टाइम की कोई कदर नहीं है, बीच में क्या हो रहा है, समझ गए, उसको कोई कदर नहीं, क्योंकि वो सरकार में बना। और तीसरी कैटेगरी का हम जैसा पहले कैसे थे वैसे, अभी तो आप सीख रहे हो, अभी तो कैटेगरी चेंज हो जाएंगे, लेकिन तब क्या थे,
इधर की हवा चले तो इधर चलो और इधर की हवा चले तो इधर चलो, यही था ना। हाँ जिधर पैसा मिलता था चलो उधर भागते, बराबर क्या थे हम, धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा ना। ऐसा ही था ना, 200 रुपए कमाता हूँ और 100 रुपए का टिकट लेगा तो कोई देगा, और एक दोपहर तक काम करो मैं माल कर रहा हूँ 100 रुपए में, ऐसा सोचेंगे कोई बात नहीं, उसको कम भी करके दो, कोशिश करो ना भी हो तो भी करके दो, ठीक है, क्योंकि हम वहां से निकले हैं भैया, सोचना पड़ेगा। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी यही कैटेगरी समझ लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में यही कैटेगरी के लोग होते हैं, और हर कोई हेयरकट करवाता है, लेडीज जेंट्स से लेकर सब ब्यूटी पार्लर में आते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री सबके लिए खुली है ना कि नहीं, कोई ऐसा पर्सन बता दो, आपको पता है कुत्ते की भी हेयरकट बनाई जाती है, पता है क्या, हाँ सब जानवर की कटिंग बनाई जाती है, चलो उनके डॉक्टर अलग होते हैं, तो हम इंसानों के डॉक्टर है, इंसानों के बाल और स्किन के डॉक्टर बन रहे हैं, कौन से डॉक्टर बन रहे हैं, बालों के और स्किन के, सिंपल सी बात, हर किसी को अपने पास आना है, कोई अपने को रुक ये नहीं कर सकता, समझ गए, और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सर्विस, समझ गए, 30 रुपए का तरबूज लाए और 60 रुपए बेचना नहीं है, मैंने क्या बोला, 30 रुपए का तरबूज लाए 60 रुपए बेचे, ये भी बिजनेसमैन है, लेकिन हम वो वाली कैटेगरी में नहीं आते, हम एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में आते, 30 का तरबूज लाए उसका क्या बनाएंगे, जूस बनाएंगे और 300 में बेचेंगे, समझ गए, तो सर्विस इसको बोला जाता है, ये सेलिंग का भी बिजनेस है लेकिन ये उससे भी बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोला जाता है इसको, समझ गए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें।